नमस्कार अजय मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा अजय मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं आज की तारीख है 9 अक्टूबर और वार है बुधवार शो में हम बात करेंगे स्पिनिंग मीलों की मांग घटने से उत्तर भारत में उत्तर भारत के राज्यों में कॉटन में मंदी आई है और दैनिक आवक में बढ़ोतरी दर्ज की गई है स्पिनिंग मिलों की मांग कमजोर पड़ने से उत्तर भारत के राज्यों जैसे कि पंजाब हरियाणा और राजस्थान की मंडियों में बुधवार को लगातार तीसरे दिन कॉटन की कीमतों में मंदा आया है जबकि इन्हीं राज्यों की मंडियों में नई कपास की आवकों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है जी हाँ आईसी कॉटन वायदा के रेट में मंगलवार को गिरावट का रुख दिखा गया दिसंबर 24 वायदा अनुबंध में इसके दाम एक दशमलव छब्बीस सेंट कमज़ोर होकर बहत्तर दशमलव सत्ताईस सेंट रह गए हैं मार्च 25 वायदा अनुबंध में इसके दाम एक दशमलव दो सेंट कम होकर चौहत्तर है मई वायदा अनुबंध में इसके दाम सेंट सेंट वीक बढ़कर भाव 75 से रह गए हैं हालांकि आईसी के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में आज कॉटन की कीमत बढ़कर खुली है उत्तर भारतीय कपास के उत्पादक क्षेत्रों में मौसम साफ है उत्तर भारत के राज्यों की स्पिनिंग मिलें नई फसल को देखते हुए इस समय केवल जरूरत के हिसाब से ही कॉटन की खरीद कर रहे हैं इसीलिए घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतों में मंदा बना हुआ है हालांकि चालू सीजन में इन राज्यों में कपास की बुबाई में कमी आई है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ज़्यादा बैठ रही है साथ ही क्वालिटी काफ़ी अच्छी है उधर मंगलवार को आईसी कॉटन वायदा में दो फीसदी से अधिक की गिरावट आई है और इसके दाम तीन सप्ताह के निश्चित स्तर पर पहुँच गए हैं हरियाणा की मंडियों में नए कपास की आवक करीब पैंतालीस सौ से राजस्थान की मंडियों में तीन हज़ार गांठ व पंजाब में पाँच सौ गांठों की हुई है वही बिनोला के भाव पंजाब व हरियाणा लाइन में बयालीस सौ से पैंतालीस सौ रुपये और ऊपरी राजस्थान लाइन में बयालीस सौ से छालीस सौ रुपये प्रति क्विंटल बोले गए हैं लोअर राजस्थान में रुई के भाव हाज डिलीवरी के चौवन हज़ार आठ सौ से पचपन हज़ार रुपये कैंडी बोले गए हैं दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना भूलें से हम आपको देश दुनिया की खबर दे सकें अजय स्टू मनी गुरु ब्यालस कम्युनिटीज में काम करके पूर्ण विशेषण के साथ आपको और जानकारी देते हैं किसी पेड़ जानकारी के लिए आप तुम्हारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं नमस्कार